बिग बॉस के घर से बेघर हो गई है शमिता शेट्टी। आखिर इसके पीछे क्या है वजह, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है जहाँ पर शमिता शेट्टी के एलिमिनेशन होने की खबर है। दरअसल मैं आपको बता दूँ कि शमिता शेट्टी घर से बेघर तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो है शमिता शेट्टी की मेडिकल कंडीशंस थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने लीव लिया है और ये काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म है। दरअसल शमिता शेट्टी घर से बेघर नहीं हुई है और ऐसा भी नहीं है कि वो कमबैक नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं कि खबरों के मुताबिक ये सामने आया है कि ट्यूजडे वेडनेसडे में से किसी भी एक दिन जो है शमिता शेट्टी कमबैक कर सकती है बिग बॉस के घर में। हाल फिलहाल वो छुट्टी पर है और उनकी मेडिकल कंडीशंस थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। दरअसल ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले राकेश बापट को भी मेडिकल कंडीशंस की वजह से लीव दी गई थी, और इससे पहले के सीजन्स में भी ऐसा हुआ है। सीजन 13 में जहां पर सिद्धार्थ को भी लीव दिया गया था, पारस छाबड़ा को भी लीव दिया गया था, और गौहर खान को भी इससे पहले के सीजन्स में लीव दिया गया था जहां पर उनकी मेडिकल कंडीशंस ठीक नहीं थी, जिसके चलते बिग बॉस ने उन्हें घर से बाहर किया गया था, लेकिन फिर से उन्होंने कमबैक कर लिया था। वेल, ऐसा हो सकता है शमिता शेट्टी के साथ में भी वो फिर से कमबैक कर सकती हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को। वेल, आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वेल, हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि शमिता शेट्टी फिर से जल्दी से आ जाए बिग बॉस के घर में और वही कमबैक कर ले। लेकिन आपके क्या रिएक्शंस है जरूर बताइए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।